नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में गिरावट जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों के कमेंट्स बढ़ रहे हैं और सिर्फ एक ही सवाल है, भाई क्या हो गया है, अचानक क्यों गिर रहा है बाजार, क्या करें। यही दो तीन तरीके के क्वेश्चन है जो कि अलग अलग स्टॉक्स में आ रहे हैं। इनफैक्ट यूपीएल एक ऐसा स्टॉक है जो कंटिन्यू कल से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है और यूपीएल पे कल मैंने आप सभी के कहने पे वीडियो भी बनाई थी। अब यहां पे मैं आप सभी के साथ पर्टिकुलरली तो टाटा पावर के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए गिरावट हर एक स्टॉक में हो रही है आज बाजार में, पूरा बाजार लाल निशान में। अगर आपको अभी तक रीजन नहीं पता चला है जिस वजह से आज गिर रहा है बाजार, वो रीजन है अमेरिका की रेटिंग को, क्रेडिट रेटिंग को फिच ने डाउनग्रेड करा है, ट्रिपल ए से घटाकर डबल ए प्लस कर दिया। ये नेगेटिव नहीं है, आप बिल्कुल भी इसे देखिए, पहली बात तो बाजार अगर इसकी वजह से गिर रहा है तो कल वापस होना चाहिए तेजी में। अगर इसकी वजह से नहीं गिर रहा है तो फिर क्या रीजन है, ये दो तीन सवाल मेरे दिमाग में है। बट फिच ने डाउनग्रेड करी है रेटिंग, इसकी वजह से शेयर बाजार नहीं गिरेगा। पता है फिच ने क्या कहा है? फिच ने कहा है कि डेट बर्डन बढ़ रहा है और आगे चलकर रेसेशन भी आ सकता है। अरे मेरे भाई, इकोनॉमी देखो ना आप कैसे बूस्ट कर रही है, आपके अनुमान के हिसाब से जीडीपी का नंबर अच्छा आ रहा है, इन्फ्लेशन के टारगेट की तरफ जा रहा है अमेरिका, आगे एक रेट हाइक के बाद रेट कट रखे हैं आपके लिए, तो कहां से आपको रेसेशन दिख रहा है। तो ये एक बस ये समझ लो कि बाजार गिरना चाहता था बट कुछ मिल नहीं रहा था, मिला गिर गया बाजार, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। अब इस बीच में आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो तो आप समझोगे, आपको खुद को समझाना है। बट अगर स्टॉक स्पेसिफिक मैं आप सभी के साथ चीजें शेयर करूं तो वो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए बहुत सारे लोगों का कमेंट है टाटा पावर के स्टॉक को लेकर। टाटा पावर के स्टॉक की बात की जाए तो लगभग आज 6 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, 238 रुपीस के भाव पर करंटली ट्रेड कर रहा है। 236.70 का स्टॉक ने आज के लिए आपका लो लगाया है। 9 अगस्त इसके रिजल्ट्स आने हैं, उससे पहले कुछ नहीं करना है, ये मैं ऑलरेडी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कह चुका हूं। ट्रेडर्स के लिए कल भी मैंने वीडियो शूट करी थी जहां मैंने आप सभी से कहा 236.35 का आपके लिए स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं करेगा ट्रेल करते चलो स्टॉक को, जितना ऊपर जाएगा कैरी करते चलो। आज ये गिरावट नहीं है क्योंकि केवल टाटा पावर नहीं टूट रहा ना, आपको ध्यान देना है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर बाजार में जो गिरावट है, बाजार के साथ गिरावट आ रही है स्टॉक में, तो आप उसमें ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट नहीं देखोगे। बाजार की तेजी के साथ कोई स्टॉक भाग रहा है उसमें ब्रेकआउट नहीं देखोगे क्योंकि वो तो मार्केट पुश कर रहा है ना। आपका स्टॉक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तो तब देगा जब बाजार न्यूट्रल हो और आपका शेयर टूट रहा है, या फिर बाजार सही है और आपका शेयर टूट रहा है, बाजार खराब है आपका शेयर ऊपर जा रहा है, तो वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कंसीडर होगा। आज की गिरावट मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती है, चाहे वो टाटा पावर में हो चाहे बाजार में हो। दो तीन चीजें और मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आप टाटा पावर को लेकर चिंतित है, परेशान है, तो आपको एक चीज और बता दूं, टाटा ग्रुप से टाटा स्टील गिर रहा है आज, टाटा केमिकल गिर रहा है आज, टाटा मोटर्स जो सब कुछ अच्छा है वो टूट रहा है, तो यहां ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। यहां समय दो, अभी दो दिन का तो दो ही दो, अब थर्सडे फ्राइडे दो, मंडे देखना, आपके लिए 9 तारीख को रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनी के। अभी तक पावर स्टॉक्स में एनटीपीसी और पावर ग्रिड ने नंबर पेश करे हैं, पावर ग्रिड के नंबर खराब थे, एनटीपीसी के नंबर ठीक थे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनटीपीसी में भी गिरावट थी, दोनों स्टॉक्स का अलग रिएक्शन आया, पावर ग्रिड नीचे गया एनटीपीसी ऊपर गया, तो आपके लिए डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अब आप इसमें भी अगर आप डायरेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हो तो आप खुद बना रहे हो, बाजार नहीं दे रहा, और जब तक बाजार खुद आपसे कुछ ना कहे ना आप कुछ मत करो। आप में बस की क्या है, आपके मेरे हम जैसे लोगों के बस की है क्या बाजार को ऊपर नीचे करना? जो हो रहा है बाजार में हम वो एक्सेप्ट करेंगे तभी पैसा बनेगा। नदी का बहाव जिस तरफ है ना उस तरफ जाओगे तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और आसानी से होगा सब, लेकिन बहाव इधर का है आप इधर जाने की कोशिश करो तो बहुत मेहनत लगेगी और लास्ट में हार ही जाओगे। दो तीन बार तो आप कोशिश करोगे जाने की, तीसरी बार आपको बह मतलब मजा नहीं आएगा आपके लिए। मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, जो चीज जेन्युइन है वो बता देता हूँ, बाकी मेरा आपसे को गलत बोलिए कोई फायदा नहीं होना। इनफैक्ट अगर मैं ठीक राय दूंगा सही होगी तो आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, वापस आओगे, एंड आपके लिए आपकी नजरों में मेरे लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहां आज की गिरावट मेरे लिए मैटर नहीं करती है क्योंकि आज पूरा बाजार गिर रहा है ना, आप मेरे को बताओ गिर क्या नहीं रहा है। मैं यह वीडियो बना रहा हूं कि मेरी पोर्टफोलियो लाल नहीं हुई है, डेफिनेटली हुई है मेरी पोर्टफोलियो लाल, बट आज बाजार गिर क्यों रहा है? अमेरिका की वजह से, वो टिकाऊ रीजन है नहीं है। अब कोई और रीजन है तो वो सामने आने दो फिर देखेंगे। पूरे मूड माहौल में अच्छी चीज में सब कुछ अच्छे होते हुए अगर बाजार एक दिन गिर भी गया तो क्या बड़ी बात है। आज एक अच्छी करेक्शन आ रही है और मैंने आपके साथ ऑलरेडी कहा था 10 के इंडिया विक्स पे बाजार नहीं टिकने वाला, 10% इंडिया विक्स भागा है आज, वो होना था, फियर फैक्टर जीरो कर दिया है आपने, सबको पता है बाजार नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, ऐसे बाजार थोड़ी चलता है, बाजार ऐसे चलता है।
तो ये शॉक दिया है और मुझे लगता है जिस हिसाब से अभी तक टूटा है कोई रिकवरी नहीं आई है और गिरावट हुई यहां से, तो फिर ये बाजार के लिए एक हेल्दी साइन और मानूंगा मैं। कमजोर निवेशक निकल जाएंगे यहाँ पे, मजबूत बने रहेंगे और बायोडिप्स भी करने के मौके देगा ये बाजार। बट आज मैं कुछ ट्रेड करने के मूड में नहीं हूं और मैंने आपसे पहली वीडियो में भी कहा, दूसरे में भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, आज अभी तक नो ट्रेड जोन में है बाजार अभी भी। कल भी, कल एक्सपायरी है, फिर फ्राइडे को मैं कह दूंगा कि अब दो दिन की छुट्टी से पहले कुछ नहीं करना। अगर आपको लगता है मेरी ये राय गलत है भैया मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि ना शेयर बाजार बंद होने वाला है ना हम कहीं जाने वाले हैं। अब दो तीन दिन ट्रेड नहीं करें, कसम खा रखी है कि करना ही करना है तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू तो ये बनता है इस लेवल पे शॉर्ट करने की हिम्मत नहीं होगी और बाय करने के लिए आपको मार्केट कहेगा नहीं इस समय, तो वेट एंड वॉच कर लेते हैं क्या हो गया। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए प्रॉपर राय है, होप आपको वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।